चिकन बीफ स्टेक विद व्हाइट सॉसेस। तो सबसे पहले इनकी मैरिनेशन, और मैरिनेशन के लिए ये आ गए स्टेक हमारे, और दोनों की मैरिनेशन सेम, कुटी हुई काली मिर्च और नमक बस। इसके बाद अब इसका एक मेन सॉस आएगा जिसको ग्रेवी सॉस हम कहेंगे, ये इसको हम मदर सॉस कहेंगे बेसिकली। इससे सारे सॉसेस बनेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन, या भी हमने हड्डियाँ लेके बीफ की और इसको हमने बॉईल कर लिया है, या ऑलमोस्ट तकरीबन कोई डेढ़ से दो, एक डेढ़ लीटर। फिर हमने इसमें मैदा शामिल कर देना है, मैदे को पकाना लाजिम है ताकि इसका जो मैदे का कच्चापन है वो इसमें नहीं आए। अब इसमें हम शामिल करेंगे यखनी बीफ की, और साथ में शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चिकन क्यूब्स 3 से 4 अदद। फिर इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी। इसके बाद इसको मिक्स किया, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा हमारा ग्रेवी सॉस तैयार हो गया, फिर हम इसी सॉस से सारे सॉसेस बनाएंगे। सो मेक श्योर कि ग्रेवी सॉस इसका मदर सॉस कहलाता है, इसका मेन सॉस। आपने जो भी सॉस बनाना है, मशरूम सॉस बनाना है, पेपर सॉस बनाना है, कोई सा भी, तो ये बेसिक सॉस है, पहला सॉस, इसी से ही सारे सॉसेस बनते हैं। सो थोड़ा सा ऑयल, सबसे पहले चिकन स्टेक्स को पका लेंगे। लेग आप चाहे ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, अमूमन मैं समझता हूँ कि स्टेक के लिए ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह में तो बीफ ब्रेस्ट इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है चिकन का। बेसिकली हमारा ग्रेवी सॉस तैयार हो गया, बीफ स्टेक में भी ये किया। अब स्टेक्स को लेके बीफ के भी रख दिए यहाँ पे पकने, तो चिकन स्टेक जो है ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। तो एक दफ़ा टर्न कर लेंगे बस, तो हमारे स्टेक्स रेडी हैं। मेन काम इस सारी रेसिपी में जो है वो सॉसेस का है, इसी वजह से इस स्टेक पकाना कितनी देर लगेगी। टेक्निक भी इतनी नहीं है इसमें, सिंपल सॉल्ट एंड पेपर है। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सॉसेस, और सॉसेस के लिए ये आ गया। सबसे पहले इसमें हमने मक्खन शामिल करना है मशरूम सॉस के लिए, तो मशरूम ने इस पहले मक्खन शामिल किया, और इसी में हम शामिल कर देंगे मशरूम्स, और इनको हम थोड़ा सा पहले करेंगे फ्राई। सॉस एक दफ़ा आपके पास ग्रेवी सॉस तैयार हो गया, फिर आपके लिए सारा काम बहुत आसान है। तो इसको सबसे पहले मशरूम को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्रेश मशरूम हो तो क्या ही बात है, बेहतरीन टेस्ट उसका आता है। इसके बाद इसमें हमने शामिल करना है ये ग्रेवी सॉस, और साथ में आ गई क्रीम। बस इसको मैक्सिमम 2-3 मिनट पकेगा, और ये हमारा मशरूम सॉस तैयार हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं स्टेक की तरफ। अब इसकी आंच हम कर देंगे कम ताकि अंदर तक पक जाए, वेल डन ऑब्वियसली। और इसको मिक्स किया, साथ में हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, सॉस थोड़ा सा गाढ़ा। इसी वजह से मैं कह रहा था आपको कि ग्रेवी सॉस को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। ये मिक्स किया, स्टेक को टर्न करते रहेंगे। बीफ स्टेक को चिकन पक चुका है मुकम्मल तौर पे, इसको इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पकने छोड़ देते हैं। और फिर आ गया दोबारा इसमें ग्रेवी सॉस। ये ग्रेवी सॉस 5 जगह इस्तेमाल होगा। तो ये आ गया इसमें ग्रेवी, साथ में आ गया इसमें टोमेटो पेस्ट। ये बहुत मज़े का सॉस है, बहुत डिफरेंट है, और मशरूम सॉस पेपर सॉस तो बनाते ही रहते हैं, ये वाला सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इट रियली टेस्ट गुड। अब हम आ जाते हैं हमारे सॉस शोगों की तरफ, और इसमें हमने टोमेटो पेस्ट शामिल किया है, साथ में इसमें भी क्रीम आ जाएगी, एंड दैट्स इट। सो दो सॉस हो गए रेडी, 3 सॉस और रह गए। सो यहाँ पे एक और सॉस आ गया, पेपर सॉस, बड़ा मशहूर सॉस, काली मिर्च शामिल की और क्रीम शामिल कर दी बस। तो ग्रेवी सॉस अगर आपके पास तैयार है तो मिनटों में सारे सॉसेस तैयार हो सकते हैं। पानी शामिल करते हैं ताकि थिकनेस इसकी ज़रा बराबर हो जाए बस। और ये हमारा पेपर सॉस भी हो गया रेडी। सो अब हमारे पास 2 सॉसेस रह गए इसके, और अब यहाँ पे आ जाते हैं ये बेसिकली सब्ज़ियाँ। अच्छा, इसके साथ जो सब्ज़ियाँ बनती हैं अमूमन मेजॉरिटी लोग इसको ओवर कुक कर देते हैं और पानी भी शामिल करते हैं। आज आपको इसका बड़ा डिफरेंट तरीका बताते हैं। सबसे पहला काम इसमें मक्खन मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसका काम बहुत आसान। सब्ज़ियाँ अमूमन जिस साइज़ में कटी हुई हैं, इसमें गाजर ये आ गया, साथ में इसमें मारो कद्दू जिसको जुकीनी कहते हैं ये आ गया, साथ में इसमें फूल गोभी, मटर, और ये फ्रेंच बीन्स या इसको राउंड
बीस कहते हैं, मेरी सबसे फेवरेट। साथ में इसमें आ जाएगा नमक और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, और पानी भी शामिल नहीं होगा, जहन में रखेगा। तो इसको हमने करना ये है कि इसको हम कर देंगे कवर। कवर कहाँ गया ये आग? बस आँच मैंने बहुत तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आँच पे इसको पकाना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये फर्स्ट क्लास पकेगा, पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, जहन में रखना है। ये रह जी, पेपर सॉस भी रेडी हो गया, चिली सॉस, ये थोड़ा स्पाइसी सॉस और हरी मिर्चों के साथ। ये हमारी देसी जो हरी मिर्ची होती हैं, ये आ गई। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। मेरे हिसाब से तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच जो लोकल मिर्चें हैं वो हमने शामिल की। साथ में आ गई ये क्रीम, और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये रेज, और जिस तरह बाकी सॉसेज बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह ये सॉस बनेगा, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं करी। नमक मैंने चख लिया, नमक बिल्कुल सेट है। सिंपली हरी मिर्चें, और बहुत स्पाइसी सॉस नहीं है ये, मतलब अच्छा मुनासिब स्पाइसी सॉस है। जैसी बॉयल आ गया तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऑलरेडी शामिल कर देते हैं। बस पांचवा सॉस जो है वो बेसिकली ग्रेवी सॉस ही है, ये वाला। तो उसको हम पकाएंगे थोड़ा सा। हमारा काम मोस्टली कंप्लीट हो गया, चूल्हा लेके ऑन करते हैं। और ये बेसिकली जो बाकी बचा है ये हमारा ग्रेवी सॉस, ये भी एक सॉस है, बहुत मज़े का। मेरे हिसाब से जो मुझे फेवरेट सॉसेज में से है वो ग्रेवी सॉस। ये देखिए, कोई पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं, इसी सब्जियों के अपना पानी में ये सब्जियां पकेंगी। पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, आँच धीमी रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी। मिक्स करते जाएंगे बस, और सब्जियों का सही जायका आएगा। चौथा सॉस भी आ गया। सो हमारे सॉसेस, पांचों के पांचों सॉसेस हो गए तैयार। ग्रेवी सॉस अभी पकता जाएगा थोड़ी देर के लिए। सॉसेस हमारे 5 रेडी हो गए। इसमें हमने सिंपली ग्रेवी सॉस, क्रीम, और बस इसको मिक्स कर दिया। मशरूम सॉस में हमने मशरूम स्लाइस किए, पैन में थोड़े से मक्खन में इसको फ्राई किया, फिर हमने इसमें ग्रेवी शामिल की और क्रीम शामिल कर दी, ये तैयार हो गया। इसके बाद ब्लैक पेपर सॉस, ये हमने कुटी हुई काली मिर्च शामिल की, क्रीम शामिल की, वो ग्रेवी शामिल कर दी। ये हमारा चिली, क्रीमी चिली स्पाइसी सॉस, इसमें हमने हरी मिर्चें चॉप की हुई, क्रीम और यखनी और ग्रेवी, और ये प्योर ग्रेवी है, इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दी। बस तो हमारे सॉसेज रेडी हो गए। ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। सब्ज़ी हमेशा जहन में रखिएगा, इसमें हमने कोई पानी शामिल नहीं किया। देखें, ये अपने पानी में ही पक गया, इसका जायका भी आपको बेहतरीन मिलेगा। कोई चीज़ नहीं इसमें, सिर्फ नमक और मक्खन है बस। साथ में स्टेक भी तैयार है, साथ में इसमें हमने प्लेन ब्रेड टोस्ट करके रख दी। सो हमारा बिल्कुल स्टेक का सारा काम रेडी हो गया। जब भी स्टेक पकाएंगे थोड़ा सा इसमें वेजिटेबल्स रख दें, प्याज रख दें, ताकि स्टेक जले ना। इसके बाद एक एक करके इसके ऊपर रख देते हैं स्टेक। ये हमने चिकन का स्टेक का प्लेटर बना दिया। टोमेटो सॉस, दैट काम हमारा सारा हो गया इसको ख़त्म। सब्जियां रेडी हो गई, साथ में स्टेक रेडी हो गए, और इनको करते हैं यहाँ पे सर्व। बस चिकन बीफ स्टेक विद वाइट सॉसेस, अज्जा चिकन लेग बोनलेस 4 अदद, बीफ अंडर कट रॉड 1 अदद, नमक 1 खाने के चमचा, पिसी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे। ग्रेवी सॉस के लिए बीफ बोन्स पकी 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, बे लीफ 3 अदद, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, मक्खन 6 खाने के चमचे, मैदा 6 खाने के चमचे, चिकन क्यूब 4 अदद। पेपर सॉस के लिए ग्रेवी सॉस 1 कप, पिसी काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा, स्पाइसी क्रीम 1 कप। क्रीमी सॉस के लिए ग्रेवी सॉस 1 कप, क्रीम 1 कप, कुटी हरी मिर्च 6 से 8 अदद। क्रीमी मशरूम सॉस के लिए ग्रेवी सॉस 1 कप, स्लाइस्ड मशरूम 1 कप, क्रीम 1 कप, मक्खन 3 खाने के चमचे। चूरन सॉस के लिए ग्रेवी सॉस 1 कप, क्रीम 1 कप, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे। मुख्तलिफ सब्जियाँ, गाजर स्लाइस्ड 4 अदद, जुकीनी स्लाइस्ड 2 कप, सब्ज फलियाँ 2 कप दो हिस्सों में कटी, मटर 2 कप, फूल गोभी फ्लोट कट 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन 6 खाने के चमचे, फ्रेंच ब्रेड स्लाइस्ड 1 पीस।